एक साल का नहीं है, 4 साल 5 साल का पौधा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें फ्रूटिंग है और फ्रूटिंग इसमें पेड़ में ही पका हुआ है। गिर भी गया रे भैया। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, निम्न परिचय बड़ी। नरसिंह राजु ओके लक्ष्मी देवपुरा दौड़बलापुर तालूको बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट। ओके, आपको हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको तोराई देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पर साग सब्जियाँ है। सोरे का है। ओके, और पॉली हाउस में क्या क्या ये लोग मिक्स तरीके से ग्रो करते हैं वेजिटेबल को, वो आपको इन किसान भाइयों से मिलवा के आपको बताएंगे। मिंट। अच्छा, ये मिंट का साग, जैसे कि इनके गार्डन में बाहर खुले में चौली जैसे नेचुरली आपको बहुत तरीके का मिक्स तरीके का आपको वेजिटेबल फ्रूट सब देखने के लिए मिलता था, उसी प्रकार आपको इनके जो पॉली हाउस में भी मिक्स तरीके का आपको लीफी वेजिटेबल वेजिटेबल हर तरीके का देखने के लिए मिलेगा। और बीन्स। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बीन्स है। अच्छा, बीन्स बीन्स भी लगाया हुआ है। क्या क्या लगाया हुआ है कंप्लीट आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से किया है इनके गार्डन को आप इन्होंने। बाजू में फ्लावर भी है और उसके बाद बाजू में भिंडी है। हालांकि अभी पपैया का तो सीजन नहीं है, पर इनके पॉली हाउस में आपको पपैया का भी फार्मिंग करते हुए देखने के लिए मिलेगा। अभी इसमें बेड प्रिपरेशन भी चल रहा है, साथ में ये फ्लावर भी है, गेंदा फ्लावर अलवा गेंदा का फ्लावर भी है। रोज रोज और उसके बाजू में रोज का फ्लावर भी देखने के लिए मिलेगा। बाजू में टमाटर है, हर तरीके का जैसे आपको ब्रोकली नेचुरली बाहर करते हैं खेती, उसी प्रकार आपको ब्रोकली पॉली हाउस में भी मेथी देखने मिलेगा। ब्रोकली है, मेथी है, टमाटर है, और ये कॉलीफ्लावर गेंदा गोभी का फूल है, उस तरफ फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर का भी आपको दिखा देने चाहते हैं। आपको यहाँ पे भी नेचुरल जैसा ही आपको इनके पॉली हाउस में फार्म करते हुए देखने के लिए मिलेगा, और इनसे बहुत कुछ आप सीख भी सकते हैं। वीकली चेंज, वीकली वीकली चेंज भी, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप वीकली वीकली आप करते रहते हैं। इन किसान भाइयों के जो पॉली हाउस में जो पपैया का पौधा है, ये 4 साल का पौधा है और अभी भी फ्रूटिंग दे रहा है, यानी कि पॉली हाउस के अंदर भी 4 साल 5 साल का पौधा आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी कटाई भी हुआ है और उसके ऊपर कटाई के बाद रीप्लांट निकल के उसमें फ्रूटिंग भी है और उसमें कुछ पके हुए भी हैं आपको देखने में। और एक नहीं, कई पौधे देखने के मिलेंगे आपको पपैया के। वो आगे भी एक है, उस तरफ देख सकते हैं आपको। इनके पौधा जो है पपैया का पौधा आपको एक साल का नहीं है, 4 साल 5 साल का पौधा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें फ्रूटिंग है और फ्रूटिंग इसमें पेड़ में ही पका हुआ है। गिर भी गया रे भैया। अभी आप देख सकते हैं ये इनके जो पॉली हाउस में जो पपैया था वो पेड़ों में ही इनका पकते हैं, और पकने के बाद ऑटोमेटिक सीड के लिए छोड़ देते हैं। और ये सीड के लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए पेड़ में ही पका हुआ रहने से अच्छा है। और अभी नेचुरली ये गिर गया है और इसी का ही इनको ये सीड निकालेंगे जो अगले नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसको बीज के लिए रखेंगे। और ये देख सकते हैं एक नहीं, कई पौधे हैं इनके फार्म हाउस पे, इनके पॉली हाउस में। और ये भी 4 साल, कितना साल हो जाएगा ये? नालक वर्ष, यानी कि 4 साल हो गया ये भी पपैया का पौधा।